सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को, और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पेन ड्राइव के डाटा को 100% सिक्योर रख सकते हैं। जी हां दोस्तों, आमतौर पे पेन ड्राइव में जो डाटा होता है उसको लेकर हम लोग चिंतित होते हैं। कई बार हमारा पेन ड्राइव जब खो जाता है, कहीं गिर जाता है, तो उस स्थिति में हम लोगों को इस बात की चिंता होती है कि उसमें जो डाटा है, जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, वो कहीं लीक ना हो जाए या किसी के हाथ ना लग जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के, बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद के, आप अपने पेन ड्राइव में पासवर्ड लगा सकते हैं और उस पासवर्ड की मदद से आप अपने डाटा को सेफ रख सकते हैं। ये चीज आप बीट लॉकर की मदद से कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि बीट लॉकर, जो आप पासवर्ड लगाएंगे बीट लॉकर की मदद से, ये किसी भी सॉफ्टवेयर से ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इस बीट लॉकर को किसी भी तरह से आप इसके पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ है। आप इसका इस्तेमाल अपने पेन ड्राइव को सिक्योर करने के लिए, 100% सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जानिए कि किस तरह से हम अपने पेन ड्राइव में पासवर्ड लगा सकते हैं और उसे 100% सेव कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ पे मैंने एक पेन ड्राइव लगाया है अपने सिस्टम में, इसमें मैं आपको पासवर्ड लगाकर दिखलाता हूँ। इसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे, थर्ड ऑप्शन में देखिए टर्न ऑन बिट लॉकर है, इस पर क्लिक करना है। आप इसे जैसे ही क्लिक करते हैं, आप पे एक नया पेज खुल जाता है और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो भी आप अपने पेन ड्राइव के लिए चाहते हैं या लगाना चाहते हैं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट का बटन है, उस पर आपको जाकर क्लिक करना है। इस पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने रिकवरी की को सेव करने का एक ऑप्शन आता है। ये रिकवरी की है, यदि आप अपने पासवर्ड को भूल गए हैं तो इस रिकवरी की माध्यम से आप फॉरगेट पासवर्ड में जाकर अपने पासवर्ड को फिर से रिकवर कर सकते हैं, या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर कहीं रख सकते हैं। ये अच्छा होता है कि आप किसी सिस्टम में इसे सेव कर लें ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप इसका इस्तेमाल कर सकें। मैं यहाँ पे इस सिस्टम में, जिसमें जिस लैपटॉप में ये पेन ड्राइव लगाया हूँ, उसी लैपटॉप में इसका पासवर्ड अभी डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ दिखलाने के लिए। यहाँ पे सेव करने के बाद आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर नेक्स्ट पर जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट इनक्रिप्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको स्टार्ट इनक्रिप्टिंग पर क्लिक करना है। और इंक्रिप्शन जैसे ही आप शुरू हो जाएगा, और देखिए ये कितना टाइम लगेगा इंक्रिप्शन में, ये डिपेंड करता है आपके पेन ड्राइव के साइज़ पे। यदि आपका पेन ड्राइव 16 GB या 32 GB का है तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय भी लग सकता है। यहाँ पे देखिए इंक्रिप्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा। इस तरह से आप इंक्रिप्ट होने के बाद आपके पेन ड्राइव में जो है वो पासवर्ड जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे इनक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, अब मैं इसे बंद करता हूँ। अब इसको एक बार यदि आप लैपटॉप से निकाल देंगे, यहाँ पे देखिए एक इनक्रिप्शन के बाद यहाँ पे आपके पेन ड्राइव में एक आइकन बन गया है लॉक का, जो बतलाता है कि आपका पेन ड्राइव जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यदि आप इसे एक बार अपने लैपटॉप से निकाल लेके दोबारा लाएंगे तो यहाँ पर ये पासवर्ड मांगने लगता है। तो यहाँ पे मैं इसे निकाल कर दिखलाता हूँ, और साथ में ये भी दिखलाता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि फिर से इसका पासवर्ड हटा दें तो वो किस तरह से आप हटा सकते हैं बड़े ही आसानी से। देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे मैं फिर से वो पासवर्ड डालकर दिखलाता हूँ कि किस तरह से ये फिर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अब यहाँ अनलॉक का बटन है, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये जो लॉक का साइन है बना हुआ पेन ड्राइव पे, वो बदल जाएगा
और आपका ये पेन ड्राइव जो है खुल गया है। यहाँ पे ये अब दोबारा से आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा जब तक कि आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करते हैं। इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इसे अनलॉक कर लिए। अब मैं बतलाता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने लैपटॉप से पासवर्ड हटाना, तो इसके लिए कंट्रोल पैनल में जाकर सिक्योरिटी एंड सेटिंग में सिस्टम में जाना है और वहाँ पे बिट लॉकर एंड इनक्रिप्शन का ऑप्शन है, उस पर जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पेन ड्राइव में जो लगा हुआ है टर्न ऑफ बिट लॉकर का एक ऑप्शन है, उस पर जाके क्लिक करना है और डिक्रिप्ट ड्राइव पे फिर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिक्रिप्ट ड्राइव पे क्लिक करेंगे आपका डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। डिक्रिप्टिंग में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना इसको इनक्रिप्ट करने में लगता है, ये आपके पेन ड्राइव के साइज पे निर्भर करता है। तो इस तरह से आप अपने पेन ड्राइव में पासवर्ड लगा सकते हैं और अपने पेन ड्राइव के डाटा को सुरक्षित बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिक्रिप्शन जो है कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।